टीकमगढ़ जिले में छतरपुर जिले की पुलिस टीम पर हमले की घटना सामने आई है। इस घटना में नौगांव थाना प्रभारी और एक आरक्षक घायल हुए हैं। आरोपी को पकड़ने टीकमगढ़ जिले के लिधौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत महेबा गांव गई हुई थी, जहां आरोपी और उसके परिजनों आसपास के लोगों ने हमला कर दिया। 7 से 8 लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया, जिसमें थाना प्रभारी नौगांव दीपक यादव और एक आरक्षक आदित्य घायल हुए हैं। दोनों का उपचार किया जा रहा है। वहीं लिधौरा थाना पुलिस ने मामला कायम कर लिया है। छतरपुर एएसपी विक्रम सिंह ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है, तो वहीं टीकमगढ़ एसपी के द्वारा भी पूरे मामले की जानकारी दी गई है। नहीं, नौगांव सबडिवीजन अंतर्गत एक 302 का अपराधी जो थाना गढ़ी में लहरा का था, और एक 2017 का फरार आरोपी 420 का जो थाना नौगांव का था, इनके मुखबिर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसको पकड़ने के लिए एसडीओपी नौगांव चंचलेश मरकाम और उनके साथ थाना प्रभारी गढ़ी में लहरा टीकाराम कुर्मी, थाना प्रभारी नौगांव दिलीप यादव और साथ में अन्य टीम गई थी। और अर्ली मॉर्निंग जब ये ग्राम महेवा जो कि थाना लिधौरा अंतर्गत आता है, वहाँ आरोपी को पकड़ने गए, तो आरोपी पक्ष के परिवार के कुछ लोगों से झड़प हुई, और जिसमें हमारे जो थाना प्रभारी नौगांव हैं दिलीप यादव, उनको चोट आई सिर में। उनका ट्रीटमेंट अभी ग्वालियर में चल रहा है और उनकी कंडीशन स्टेबल है, कॉन्शियस है, बातचीत कर रहे हैं और खतरे से बाहर डॉक्टर द्वारा बताया गया है। एक दूसरा आरक्षक साथ में और था आदित्य, जिसको मामूली चोटें आई हैं। और इसमें थाना लिधौरा में 307-353 और अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत FIR रजिस्टर्ड कराई जा रही है। इसमें चूंकि रात का अर्ली मॉर्निंग का समय था, तो परिवारजन और कुछ जो आसपास के लोग थे, इन्होंने झड़प की है। इसमें शायद लाठी और पत्थर का भी कुछ उपयोग हुआ है। इसमें अभी जांच की जा रही है। इमीडिएट हमारा फोकस था कि ट्रीटमेंट हो और जो अपराधी उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में कार्रवाई कराई जाए। नहीं, अभी चूंकि वो हमारे थाना प्रभारी की कंडीशन थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो हमारा टाइम ऑफ फेस ये था कि इनका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। देर रात जो पुलिस टीम पर हमला हुआ है नौगांव के छतरपुर जिले की जो टीम आई थी, कितने लोगों पर हमला हुआ है, किन लोगों ने किया है, क्या कार्रवाई की जा रही है? कल देर रात सुबह लगभग तड़के 4:30 बजे के आसपास छतरपुर के नौगांव थाना की टीम एक अपराध में एक आरोपी को गिरफ्तार करने थाना लिथोरा के महोबा गांव में चक्र क्रमांक 1 में आई थी। तो उस दौरान उनका जो आरोपी है और वहाँ उसके आसपास वाले 7-8 लोगों के साथ विवाद हुआ, वहाँ इनके पर हमला हुआ। इनके 2 लोगों को चोट भी आई है और इसमें अभी हमारी पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, घायल कौन कौन है और अभी फिलहाल कंडीशन कैसी है? सब इंस्पेक्टर दीपक हैं, वो घायल हैं और आरक्षक आदित्य, इनको चोट आई है और अभी इस संबंध में हम वहाँ से पता कर रहे हैं और जैसे ही जो भी जानकारी आएगी उससे मीडिया को अवगत कराया जाएगा। सर, पता चला सर कितने लोगों ने सर हमला किया? लगभग 7-8 लोग।